नमस्कार साथियों, हमने आपको हिंदी भाषा का इतिहास एवं उसके मुख्य तथ्य पढ़ाया था। अब इस सभी चैप्टर से ये 80 क्वेश्चन लिए गए हैं आपके परीक्षण के लिए। आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, आप ये देख पाएंगे। तो साथियों, पहले इस वीडियो को पॉज करके इन सभी 80 प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करें, फिर आप हमारे दिए गए जवाब से अपने जवाब मैच करें। उसके बाद जो आपका रिजल्ट बनता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए साथियों, चलते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी के उद्भव का सही क्रम। तो साथियों, आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें से कौन सा आपके अकॉर्डिंग जवाब हो सकता है। तो साथियों चलते हैं, हम इसका जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपवट के हिंदी के उद्भव का सही क्रम। तो साथियों, सबसे पहले पाली भाषा आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपहट और अपहट्य से विकास हुआ हिंदी का। तो ये इसका सही क्रम है। तो साथ ही हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे और आप फटाफट से आप देखते जाइए, उसका जवाब लिखते जाइए और चलते आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो साथियों, आपने जवाब दे दिया होगा तो हम बताते हैं इसका सही जवाब, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो साथियों, आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, उनमें से कौन सा इसका जवाब हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका जवाब। तो चलते हैं इसके सही जवाब पर। जवाब ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर फोर, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो साथियों, चार ऑप्शन आपके सामने, उसमें से सही जवाब है अपहट। क्वेश्चन नंबर फाइव, सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। तो साथियों, चार ऑप्शन आपके सामने, उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। सिक्स, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। तो साथियों, आपके सामने ऑप्शन चार हैं, इनमें से सही जवाब आप बताइए। तो साथियों चलते हैं सही जवाब पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संक्रांति काल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। साथियों, ये क्वेश्चन आपका टीजी की परीक्षा 2003 में भी आया है। तो इसके सही जवाब पर चलते हैं, इसका सही जवाब है सी, राजा मुंज, राजा मुंज। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर एट, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है। तो साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर नाइन, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो इसका जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ब्राचड़। साथियों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। साथियों, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मागधी। आगे चलते हैं, इलेवन, अर्धमांगधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। तो साथियों, इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित कीजिए। आप सूची नंबर फर्स्ट, सूची नंबर सेकंड देख रहे हैं, आपने पढ़ चुके होंगे और समझ चुके होंगे। और इसका सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है। साथियों, इसका जवाब आप दे चुके होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड पे इसका थर्ड तीन इसका जवाब है बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। प्रश्न नंबर 14, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ, तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने, उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राचड़ अपभ्रंश से। दोहा यानी कि दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है, तो 4 आपके सामने ऑप्शन है, और साथ ही आप देख भी पा रहे होंगे यूजीसी नेट और जेआरएफ 2015 में ये क्वेश्चन आया है, तो आप 15 का जो जवाब है इसका है बी, अपभ्रंश। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ, आप देख पा रहे होंगे ये आपका एग्जाम में आ चुका है, तो 16 का जो जवाब है वो है आपका साथियों सी, अपभ्रंश। 17 क्वेश्चन, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, साथियों यूपी सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 में आया है, तो 17 का जो जवाब है वो है बी, फारसी। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, तो साथियों इसका जवाब आप बताएंगे, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जवान ए हिंदी। खालिक बारी किसकी रचना है, साथियों अगला क्वेश्चन 19 खालिक बारी किसकी रचना है, तो आप जवाब इसका देंगे, इसका जवाब है अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, तो आप इसका जवाब दीजिएगा साथियों, जवाब इसका डी, कन्नड़। क्या? कन्नड़, कन्नड़। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से इसका ऑप्शन आपका सही है अमीर खुसरो यानी कि बी। प्रश्न नंबर 22, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, और साथ ही इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 23, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, साथ ही इसका जवाब है सी, मेरठ। 24 प्रश्न नंबर 24, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो साथ ही ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनपदीय हिंदुस्तानी। प्रश्न नंबर 25, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ, साथियों ये यूजीसी नेट जीआरएफ 2006 में आया है, इसके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो 25 का जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम सागर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो ये भी साथियों एग्जाम में आया है, तो 4 ऑप्शन है इसके सामने, और इसका जवाब है 26 का ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसके सामने 4 ऑप्शन है, और 27 का जो ऑप्शन है सही वो है ऑप्शन नंबर बी, 1906। क्वेश्चन नंबर 28, नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है, तो इसका साथियों जवाब है आप देखेंगे ए, 1893। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में थे, तो 29 इसका जवाब है साथियों ए, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 30, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो साथियों ये टीजीटी परीक्षा में आया हुआ है 2004 में, तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो साथियों इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, साथियों इसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो साथियों हिंदी की उपभाषाएं आप देख रहे होंगे, तो हिंदी की उपभाषाएं साथियों हैं 5।
ऑप्शन नंबर सी। आप साथियों आगे चलते हैं। 34 अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? सौर सैनी, पैचासी, पैसाची, मांगदी, अर्ध मांगदी। इसका साथियों यूजीसी नेट में जीआरएफ में भी आ चुका है। तो साथियों इसका 34 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी मतलब अर्ध मांगदी। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो साथियों 35 का जो जवाब बनता है वो ऑप्शन नंबर बी मतलब बिहारी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। 36 प्रश्न नंबर 36, तो इसके सामने चार ऑप्शन हैं आप देख रहे होंगे। तो इसका जवाब क्या बनता है? जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी मतलब अवधि। प्रश्न नंबर 37 पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। तो साथियों इसका जवाब है इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी 5। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं साथियों ऑप्शन आपके सामने हैं तो आप बता सकते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए अवधि, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बिहारी हिंदी। आगे चलते हैं। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर भाटी का संबंध किससे है? इसका जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी उत्तरी राजस्थानी। प्रश्न नंबर 41 मैथिली में साहित्यिक सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है अगला क्वेश्चन है आपका 42 पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डूडाड़ी। साथियों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने साथियों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 45 हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? आपका एग्जाम आ चुका है साथियों देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5। साथियों आगे चलते हैं 46 पे ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? साथियों ये भी आपका एग्जाम आ चुका है तो आप देख सकते हैं और इसका जवाब सही है ऑप्शन नंबर डी सौर सैनी। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है तो इसका सही जवाब है साथियों सी मतलब पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 48 खड़ी बोली का दूसरा नाम है क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है साथियों ये भी आपका KBS अध्यापक परीक्षा में आ चुका है 2003 में। तो साथियों इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी कौरवी। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ये भी साथियों आपके एग्जाम में आ चुका है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मतलब भोजपुरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 बघेली किस उपभाषा की बोली है? साथियों ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी की। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 51 किस क्षेत्र की बोली को कासका कहा गया है? ये भी साथियों UGC नेट और JRF 2010 में आ चुका है। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा। आगे चलते हैं 52 पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? साथी ये भी आपका UGC नेट JRF में आ चुका है 2005 में। तो साथियों इसका सही जवाब है सी सौर सैनी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? आपका TGT परीक्षा में आ चुका है तो साथ ही इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। आगे चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 54 ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? UGC नेट JRF 2010 में आ चुका है ये सवाल। आगे इसका जवाब जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सौर सैनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं 55
रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, ये भी आपका परीक्षा में आ चुका है। तो साथियों इसका सही जवाब है सी, अवधी भाषा में लिखी गई। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, आपका TGT परीक्षा में आ चुका है 2004 में। तो इसका सही जवाब है ए, पूर्वी हिंदी। आगे चलते साथियों 57, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, ऑप्शन आपके सामने है साथियों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश। साथियों आगे चलते हैं 58, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तो इसका सही जवाब है बी, मतलब ब्रज। इनमें से किस भाषा, किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, UGC नेट और GRF में आ चुका है साथियों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवधी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, UGC नेट GRF में आ चुका है 2007 में साथियों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब मैथिली नहीं बोली जाती। बोली किसकी इकाई है, ऑप्शन आपके सामने है, MP सम इंस्पेक्टर परीक्षा 2017 में आ चुका है। तो साथ ही उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाषा की छोटी इकाई। विभाषा किसे कहते हैं, यह भी एग्जाम में आ चुका है साथियों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा, तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए, गोपाल स्वामी आयंगर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। इसका प्रश्न नंबर अगला 65, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, ये भी आपका परीक्षा में आ चुका है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन आपका 66, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, ये भी आपका परीक्षा में MP सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2017 में आ चुका है MP की में। तो साथ ही इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य को संपन्न किया जाता है। आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 67, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है साथियों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 343। अगला प्रश्न है 68, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1961 में। 69, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये MP सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2017 में आ चुका है। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो साथियों हिंदी, नेपाली, राजस्थानी, गुजराती। तो इसका सही जवाब है साथियों वो है आपका सी, राजस्थानी। अगला क्वेश्चन 71, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, सप्तम, अष्टम। तो साथ ही इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अष्टम। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो साथ ही ऑप्शन आपके सामने सात हैं, वो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ब्रज को। साथियों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 73, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, ऑप्शन आपके सामने है साथियों, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ, तो साथ ही इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ, तो साथियों इसका सही जवाब है 76 का
ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है साथियों 77 का ऑप्शन नंबर सी अभिमन्यु अनंत। अगला क्वेश्चन 78, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी अभिमन्यु अनंत। अगला क्वेश्चन साथियों 79, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है? साथ ये भी परीक्षा में आ चुका है, तो इसका सही जवाब बनता है वो ऑप्शन नंबर सी हिंदी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1975। साथियों आपने ये टेस्ट सॉल्व किया होगा और आपने इन हमारे इन जवाबों से मैच किया होगा। अगर आपका जो भी रिजल्ट आपका रिकॉर्ड बनता है उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। अगर साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू।